नमस्कार दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुप्रभात मैं आपको बोल चुका हूं। और बहुत ही ख़ास दिन है और हम इस वक्त सूरज नगर में प्रकृति की गोद में बैठे हैं, जहां पर ध्रुपद संस्थान है जो हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल की शान है। और दुनिया भर में जिन्होंने ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया, अपने डागर बंधुओं से, अपने गुरु से जो तालीम साधना अभ्यास से आगे बढ़ाया, उसे आज वे दुनिया भर के शिष्यों तक इस ध्रुपद गायकी को पहुंचा रहे हैं। और 2 दिसंबर को बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर, जो कि कवि निबंधकार बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और ये गौरव की बात है कि उसमें रामधारी सिंह जी की जो कविताएं हैं उनको अपनी आवाज़ गुंदेचा बंधु और उनके शिष्य देंगे, जिसकी रियाज वे इन दिनों लगातार कर रहे हैं। और इस वक्त हम गुरुकुल में हैं और आज खास दिन इसीलिए है कि हमारे, जैसा मैंने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश की शान गुंदेचा बंधु, उनमें से छोटे भाई रमाकांत जी का जन्मदिन भी है। तो इस वक्त हम गुरुकुल में मौजूद हैं जहाँ शिष्य रियाज कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या है वो कार्यक्रम बेगूसराय में जो रामधारी सिंह जी दिनकर के ऊपर हो रहा है, और किस तरह की तैयारी है और शिष्य क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। धन्यवाद। उमाकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले हम रमाकांत जी, चूँकि उनका जन्म है, उन पर बाद में आएंगे क्योंकि वो आज के स्टार भी हैं और गुरु भी हैं, शिष्य बैठे, लेकिन उससे पहले उमाकांत जी से हम जानते हैं कि क्या है वो कार्यक्रम और जिसके लिए ये शिष्य तैयारी कर रहे हैं। ये बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष मन रहा है और बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमें भी आमंत्रित किया गया है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। और हमारे लगभग 20 शिष्य हमारे साथ वहां पर जाएंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रमाकांत जी बताइए कि क्या, किस तरह की तैयारी है और क्या वहां पर जो परफॉर्म करेंगे शिष्य और आप गुरु के साथ? जी, ये एक बड़े पैमाने का आयोजन हो रहा है, ऐसा हमें बताया गया। लगभग 3-4 लाख लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए। और जैसा कि बताया, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की का जन्म शताब्दी वर्ष है ये जी। तो इसी अवसर पर ये आयोजन हो रहा है, इसे संस्कृति का महाकुंभ भी कह रहे हैं वो लोग जी। और 7 दिन तक रोज शाम को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। देश के बड़े बड़े कलाकार जो भी हैं, इसके अलावा जो हमारे लोकप्रिय संगीत के जो कलाकार हैं, सुरेश वाटकर जी और साधना सरगम जी, अलका याग्निक, ये लोग भी आ रहे हैं, और बड़े जो शीर्षस्थ शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं वो लोग भी आ रहे हैं।
क्या तैयारी है और क्या शिष्य परफॉर्म करेंगे वहाँ पर? ये हमारे सारे शिष्य जो हैं, जिसमें करीब 10-12 देशों के शिष्य भी हैं जी, वो एक 3 पद सुनाएंगे। एक तो राम जी का पद है, तुलसीकृत, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जी। और दूसरा कबीरदास जी का पद, जीनी जीनी चदरिया। और प्रारंभ जो है वो गणेश स्तुति से, शंकर सुत गणेश से करेंगे। और ये एक चूंकि बहुत ओपन ऑडिटोरियम है, वो ओपन स्टेज है, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा इसको प्रोग्राम को इस तरह संयोजित किया है कि इसके साथ लगभग 50 नृत्यकार विभिन्न शैलियों के, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, वो भी इन पदों के साथ वो नृत्य करेंगे। तो वो एक काफ़ी बड़ा, यानी 100-150 लोग स्टेज पे हों, इतना बड़ा मंच बना रहे हैं। राष्ट्रीय कवि जी की कोई कविताएं भी आप शायद संगीत में पिरो रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। हम लोग एक दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, गा रही कविता युगों से मुग्ध हो, मधुर गीतों का नहीं अवसान है। तो ये जो कविता है ये हम लोग सुनाएंगे इस अवसर पर, और अच्छा अनुभव होगा एक जी। आज आपका जन्मदिन भी है और तमाम कई देशों के शिष्य भी हैं, और आज शायद गुरुकुल में सेलिब्रेट भी किया जाएगा, तो क्या कहना है आपको अपने जन्मदिन पे और ध्रुपद संगीत को लेकर, और जो आपने अपने गुरु से सीखा और बड़े भैया से और सारी चीज़ों से, डागर साहब से, जो आपकी परंपरा चली आ रही है, अब जो नए शिष्य, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है जो हमने गुरुकुल बनाया है, ये एक यहाँ पर एक बहुत ही मूलभूत कार्य हो रहा है ध्रुपद के विकास के लिए। और जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर देश के और विदेश के काफ़ी लोग सीख रहे हैं, 50 लोग यहाँ पर इस समय सीखते हैं, रहते हैं। और बस यही अच्छा है कि ध्रुपद का विकास हो रहा है, खुशी की बात है। तो आपने देखा कि गुंदेचा जी हैं, और जो ध्रुपद को एक नई ऊंचाइयां, जैसे उन्होंने जो अपने गुरु से सीखा था उसको अपनी तालीम, साधना और अभ्यास से आगे बढ़ाया, वही संस्कार न केवल उनके परिवार में बल्कि उनके दुनिया के शिष्यों में वे पिरो रहे हैं। और शायद ध्रुपद गायकी जो एक अध्यात्म का भी दूसरा नाम है, स्पिरिचुअलिटी का, और मैं से हम हो जाने का, उस तो जुड़ रहे हैं। तो आइए हम कुछ शिष्यों से भी बात करते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, क्योंकि शायद संगीत एक ऐसा है जो सात समंदर पार को भी, और शायद वो जो बॉर्डर को भी क्रॉस कर देता है और दिल को छू लेता है। तो हमारे साथ कई कंट्रीज के शिष्य हैं, आइए हम आप उनसे मिलाते हैं। हेलो, सो योर नेम प्लीज? अश्विनी। ओके अश्विनी, यू आर फ्रॉम व्हिच कंट्री? आई एम फ्रॉम फ्रांस। ओके, प्लीज टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ बेगूसराय। सो वी आर प्रैक्टिसिंग विद गुरुजी हार्डली फॉर दिस फेस्टिवल, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू परफॉर्म देयर। ऑल द बेस्ट। माय नेम इज मैथियस। You're from which country? I'm from France. Okay, France. A lot of guys from France. Okay. So, tell us about your preparation of Begusarai and your riyaz today, I saw here. Yes, so you saw the riyaz today of those three songs. No, we have all learned those three songs with Guruji's. We've worked a lot on this. And we are very pleased to go all traveling together to go to that festival in memory of the poets, no? Can you sing one line for any bhajan or you any... Can I sing one line for Bajam? Sure. yes. Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhaya Darunam. Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana. Thank you so much. All the best. Next one. Yeah, your name please? Haikal. Okay, you're from which country? Tunisia. Yeah. So tell us about your preparation. Well, preparation was very hard, practice every day, and we are working a lot on that. So hard means morning and evening, day or night? All. All time. You're singing and you're thinking. Yes, yes. All time we are focused on this. All the best.
Thank you so much. Another guy, and he is also a smiling face. So, what's your name? Victor. Victor. Okay, Victor, you're from which country? From Spain. From Spain. So, tell us about your preparation. Yes, as my colleague said, it's been a very rich and hard process. We've been working a lot. I even lost my voice from so much rehearsal and got it back. It's okay. Thank you so much. Come. Some guys are there. Okay. And he's, I think, I saw in the last 5 years, he's here in a Gurukul. And he's dedicated, every year he came to here, and he's always dedicated to a singing. And he's also a yoga teacher, I know. What's your name, sir? Hello, my name is Richard. Okay. Richard, so you're from also France? No, I am from United Kingdom, yeah, UK. UK, okay, you're from UK. He's from different country. So tell us about your preparation and for Begusarai, the 2nd of December, the national poet Ramdhari Singh Dinkar's birth anniversary. Well, I arrived here last Friday from England. And within half an hour, I was practicing these two new compositions. There was a lot of words to learn. We are working very hard. We are very happy. I am very happy to be coming to Patna. And it's going to be a wonderful experience. And today is your Guruji's birthday, Ramakansa. So tell us about something. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ramakant, happy birthday to you. Thank you so much. He won't tell me how old he is. Great, thank you. Tony. So what's your name? Momoko. Momoko. Yeah, Momoko. Momoko. Yes. Okay. Nice name. So Momoko, you're from which country? What do you think? Which country, yes. What do you think? I think China, Hong Kong, maybe. Japan. Japan, okay, you're from Japan. Japan. So tell us about your preparation of Begusarai and your Riyaz. One of composition, very long lyrics, so it was very difficult to me to remember. But Yes. It was difficult. I did very hard. Can you sing one line? I need tambura. Okay, and you tell us about today's your Guruji's birthday. Say something about your Guruji Ramakant. Always, thank you so much. He's very kind. Yeah. Thank you. And you sing a happy birthday song? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you so much. Okay. Yeah, your name? I'm Julie. Okay. You're from which country? Belgium. Belgium. So, first time you came to here in a Gurukul? It's my third year. So tell us about your preparation of the Begusarai. You guys are performing on 2nd of December. So it's like everybody said, a lot of practice and a lot of memorizing every words, but very joyful also and very happy that we can go together. So you're doing Riyaz morning or evening also? Both. Both. Yes. Okay. And today is your Guruji's birthday, Ramakant sir. So tell us about him. Much gratefulness for all this learning process and to accept us as to be students. And I want to say a big thank you. Can you sing one line if you remember of Jini Jini or any other? Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhaya Darunam Shri Ramachandra Kripalu Bhajamanam. Thank you so much. हमारे साथ और भी कुछ शिष्य हैं शिष्याएं हैं हम उनसे भी जानते हैं आपका नाम अंजना अंजना
अंजना जी आप बताइए कि कैसी तैयारी है और किस तरह का रियाज चल रहा है और 2nd of December को जो है। हम रोज़ सुबह शाम रियाज कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए और सारे शिष्य मेरे गुरु भाई गुरु बहन सब मिलके हम बैठ के रियाज करते हैं गुरु जी के गाइडेंस में। आज गुरु जी का जन्मदिन भी है तो किस तरह सेलिब्रेट करने का क्या प्लान है? यहाँ स्पेशल खाना बन रहा है गुरु जी की का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे और गुरु जी को विश कर रहे हैं हम सब। कुछ सरप्राइज केक कटिंग है कुछ गुरु जी के लिए? वो सरप्राइज बाद में पता चलेगा। एक और शिष्य है हमारे साथ गुरु जी के, हम उनसे भी जानते हैं और काफ़ी खुश हैं कि वो आज। हेलो, मेरा नाम धानी है और आज हम लोग बेगूसराय के लिए काफ़ी प्रेपरेशन कर रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें इस फेस्टिवल में पार्ट लेने का मौका मिल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में फिर पढ़ा आपने? बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गुरुजी तैयार करा रहे हैं जी। मुझे बताया था पापा ने कि वो राष्ट्र कवि हैं और उन्होंने काफ़ी कविताएं जो हैं वो इंडिया के लिए और उसके मतलब पॉलिटिकल टॉपिक्स पे उन्होंने काफ़ी लिखा है, बट उनकी और भी बहुत सारी कविताएं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं जो नेचर पे हैं और काफ़ी कुछ है। और आज रमाकांत जी का बर्थडे है गुरु जी का, तो आप क्या उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलेगा गुरुकुल? जी आज काफ़ी प्रेपरेशन हो रही है, लंच है स्पेशल और केक्स हैं और काफ़ी कुछ है तो उनके लिए। सो साथियों आपने देखा कि गुरुकुल में सभी आज बहुत खुश हैं और सुबह से ही रियाज तो चल ही रहा है, जो गुरुकुल की सुबह जो होती है आलाप से और एक ईश्वर को बिल्कुल जुड़ने के लिए, जहां पर गुंदेचा बंधु पूरा इस ध्रुपद संस्थान जो सूरज नगर में स्थित है बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच और जहां मैं से हम में हो जाने की ये जो संगीत की जो यात्रा है उसको ये अपने शिष्यों में संस्कार दे रहे हैं। और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज जो छोटे गुरु हैं रमाकांत गुंदेचा जी उनका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन को लेकर भी सारे जो उनके स्टूडेंट्स हैं जो शिष्य हैं जो दुनिया भर से आए हुए भी बहुत एक्साइटेड और बहुत सारी तैयारी चल रही है। तो हम जरूर हमारी तरफ से आईएम भोपाल की तरफ से पीपल समाचार की तरफ से और ध्रुपद की जो दुनिया भर में संगीत को सुनते हैं प्यार करते हैं उन सब की तरफ से रमाकांत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की और गुरु जी ऐसे ही गाते रहें और शिष्यों को तैयार करते रहें यही हमारी शुभकामना है। और 2 दिसंबर को जो बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक जन्म शताब्दी समारोह जो मनाया जा रहा है जिसमें देश भर के तमाम अलग अलग संगीत विधा के जो दिग्गज कलाकार उसमें शिरकत कर रहे हैं उसमें गुंदेचा बंधु जी जो पद्मश्री हैं और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी बहुत जल्द सरकार उन्हें देने वाली है जो अनाउंस हो चुका है, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि वे भोपाल को हैं और इसी सरजमी पर हैं। तो हम फिर अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Niloy, basically from Dhaka, Bangladesh. Dhaka, Bangladesh. So first time you came to here in a Bhopal, a Dhrupad Gurukul for learning a Dhrupad music? Yeah, I came in 2014, in the beginning of the year, and it's my 5th year. Okay. I've been learning continuously from Gurujis. So you guys are doing Riyaz and all because 2nd December of the national poet Ramdhari Singh Dinkar is a birth anniversary. So can you tell us about your preparation? Yeah, we are very privileged to be able to perform there on such a big stage. We have heard that at least 1.5-2 lakhs people will be attending the festival. So it's a big privilege for us and for our Gurukul. And we have been trying our best. So we are looking forward to performing. Today is your Guruji's birthday, Ramakant birthday. Tell us about him. About him, I am wordless. He is, in one word, he is one of the greatest minds and one of the greatest musician philosophers of our era, and as a human being also he is just one in the world. That's it.